आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ में प्रदूषण भी इसी स्पीड से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके सिर्फ दो सॉल्यूशन निकलते हैं। या तो हम सीएनजी का उपयोग करें, नेचुरल गैस जो होती है हमारी, या फिर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करें। इन दोनों ही चीज़ों को सरकार आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है। तो इस फील्ड में उतर कर अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत आगे तक जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको एक नेक्स्ट जेन एनर्जिया नाम की कंपनी जो कि इंडिया में चल रही है, उसके बारे में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप उसका सीएनजी पंप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो तरीके से काम करती है इंडिया में। पहला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित कर रही है। दूसरा, जो सीएनजी के स्टेशन होते हैं वो स्थापित कर रही है इंडिया में। अब इसके साथ अगर जुड़कर आप बिजनेस करना चाहते हैं, डीलरशिप इसकी लेकर आगे बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है इन फ्यूचर में। इस वीडियो में आपको टोटल सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं, कितने जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी ही कई सारी चीज़ें। ये वीडियो टोटल 7 भागों में बटा हुआ है, तो इन 7 भागों को अच्छे से ज़रूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो क्या है? तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो 21 प्लस होनी चाहिए, आप 21 साल से ऊपर हो। दूसरी चीज जो है, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो ये आपको नहीं मिल सकता है। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, समस्या आपके पास नहीं आने वाली है। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर आपकी एज 21 ही है, ये प्रूफ करने के लिए आपके पास किसी भी टाइप का एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोले तो 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट होगी, या फिर आपके पास अगर इंटर की मार्कशीट है, या फिर ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसकी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास कोई भी होना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि हाँ आपकी उम्र 21 ही है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कंपनी को कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आईडी प्रूफ आप अपनी अगर देना चाहें तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, अब हमें ज़मीन कैसी चाहिए और लोकेशन कहाँ पर चाहिए। ज़मीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप शहरी एरिया में शुरू करते हैं तो 800 वर्ग मीटर ज़मीन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आप किसी नेशनल या स्टेट हाईवे पर इसे स्टार्ट करते हैं तो 1200 से 1600 वर्ग मीटर ज़मीन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा उस ज़मीन पर पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ज़मीन समतल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊँचा नीचा ज़मीन हो। प्लस यहाँ पर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है कि वो जो ज़मीन है वो अगर हाईवे पर है तो हाईवे पर वो जमीन हाईवे से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो निचले हिस्से पर मौजूद हो। और अगर आप वो जमीन खुद नहीं खरीद सकते तो जमीन आप लीज पर ले सकते हैं, 15 साल 11 महीने के लिए या फिर 29 साल 11 महीने के लिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, अब यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सबसे पहले 50 लाख रुपए एटलीस्ट मान के रख लीजिए आपकी लैंड की कॉस्ट हो जाएगी ज़मीन की, 10 लाख रुपए ये मान के रख लीजिए आपके जो मशीन होंगे, पंप होंगे, उनको लगाने में, बनाने में, एंड 10 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट मान के रख लीजिए कंपनी का, 5 लाख रुपए अदर चार्जेस जो इंजीनियर वगैरह आएंगे या फिर आप स्टाफ रखेंगे या फिर जो संचालन करेंगे आप अपने पंप का, उन सब चीज़ों में 75 लाख रुपीस आपके समथिंग लग जाएंगे अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं। इसे क्या, आप कोई भी पंप स्टार्ट करते हैं तो इससे तो ऊपर ही लगेंगे, इससे नीचे नहीं लगने वाले हैं। हाँ, ये अमाउंट तब कम हो सकता है जब ये जो ज़मीन है वो आपकी खुद की ऑलरेडी मौजूद हो। अगर आपकी ज़मीन खुद की नहीं है तो फिर 75 लाख के ऊपर ही लगने वाला है, आप किसी भी एरिया में से स्टार्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ हमारी कंपनी कौन कौन सी हेल्प करने वाली है अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनी आपकी हेल्प करेगी टेक्निकल रिलेटेड जितनी भी हेल्प होंगी, मतलब मशीन को फिट करने से लेकर लगाने तक, चलाने तक, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएंगे। दूसरी चीज़ जो हेल्प करेगी कंपनी, हमारा आउटलेट है उसका डिज़ाइन किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ हमको करनी है, क्या क्या फीचर्स वहाँ रखने हैं अपने उस पंप के ऊपर, वो सारी चीज़ें हमें कंपनी बताएगी, कंपनी के इंजीनियर्स आएंगे वो बताएंगे। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो हमारे जितने भी स्टाफ होंगे उस पंप पर, आपके जितने भी स्टाफ्स होंगे उन स्टाफ्स को ट्रेनिंग देगी किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें बताएगी। तो इतनी हेल्प कंपनी हमारी करती है अगर आप कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तब। पॉइंट
नंबर 6 की बात करते हैं। अब यहाँ हमारी अर्निंग कितनी होने वाली है। अब किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि हमें यह पता हो कि हमें उससे प्रॉफिट कितना होने वाला है, बेनिफिट कितना होने वाला है। तो यहाँ पर अर्निंग की अगर हम बात करें तो अर्निंग टोटली डिपेंड है आपके सेल पर, आप कितना CNG एक दिन में सेल करते हैं। ये मान के रख लीजिए कि 4 से 5 रुपये आपको 1 लीटर CNG पर मिलता है। अब इसी हिसाब से अगर आपने 1000 लीटर बेचा है तो 4 से 5000 रुपये आपका होता है एक दिन का। अगर आपने 5000 लीटर बेचा है तो 20 से 25000 रुपये होता है आपका एक दिन का। तो वो डिपेंड है टोटली आप कितना सेल कर रहे हैं एक दिन में। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। अब हमें अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.nextgenenergia.com। इसके ऊपर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। इसमें आपको सारी डिटेल्स देनी है, आपका नाम, आप कहां पर इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, लैंड की डिटेल्स, आपका बजट क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बतानी होंगी और उसको फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर आपके एरिया में कंपनी को ज़रूरत है इस पंप को स्टार्ट करना है तो वो कंपनी आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी 1 महीने के अंदर। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक नेक्स्ट जेन एनर्जिया के साथ मिलकर CNG पंप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।